आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज की जो महापंचायत हो रही है वो गत दिनों आपको सब पता होगा कि किस प्रकार हिंदू विरोधी ताकतें एक षड्यंत्र के तहत हिंदूवादी संगठनों को, गोरक्षकों को बदनाम करने की साजिश से तहत प्रबंध, उसी विषय पे आज हमारी हिंदू महापंचायत है। भिवानी छोटी काशी है, भिवानी में हिंदू वीरों ने जन्म लिया है। जो गो तस्कर है, जिसके ऊपर इनाम है, गो तस्करों के ऊपर जिनके पास मुकदमे चल रहे हैं, उसका भाई बिना जानकारी के, बिना सबूत के कह देता है कि बजरंग दल ने ये काम किया है, तो बजरंग दल के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत चल रहा है। तो ये कितना दर्दनाक होगा उस परिवार के लिए। उस श्रीकांत ने अपना जीवन लगा दिया गौरक्षा माता के लिए, गौ माता के लिए गौरक्षा करने के लिए। आज उस परिवार पे क्या बीतरी होगी आप सब महसूस करके देखिए। उस परिवार पर वो महिला की जो बच्चेदानी है वो फट गई है, वो कभी मां नहीं बन पाएगी। कितना बलिदान दे दिया सिर्फ किस बात के लिए कि उसका पति गौरक्षा करता है, उसका पति गौ माता को बचाता है, उन कसाईयों के हाथ से कटने के लिए गौ माता को बचाता है। सिर्फ इतना ही कसूर था उस बंदे का। सिर्फ इस बात पर आज उसका घर की जो कलिया उसमें खुशी आनी थी वो खुशियां माता में बदल गई। उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो गौरक्षा करता है। आज उसकी पत्नी आईसीयू में है, वो जिंदगी से लड़ाई लड़ रही है, वो भी मरने के कगार पे है, उसकी बच्चेदानी फट गई है, वो कभी मां नहीं बन पाएगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय और कम आई भाई साहब, दोबारा बोलो जय श्री राम। 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 मेरी उम्र 60 साल की है, शारीरिक रूप से परेशानी है, उसके बावजूद मैं अपने धर्म के प्रति अड़िंग हूँ, दल में असमर्थ हूँ, लेकिन जहां भी मुझे आवाज आती है कि यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, मैं अपने तन मन धन से पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना जो भी सहयोग है मैं कर सकता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसलिए आप सभी से प्रार्थना कि आप सभी पंडाल के अंदर आ जाए, ये बाहर खड़े साथी सभी पंडाल के अंदर आ जाए। गौरक्षकों का यहाँ पर पूछने में हार्दिक स्वागत है। सभी कार्यकर्ता इसी जोश को बनाए रखें और इस जोश के साथ ही पंडाल के अंदर आए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की आइए संजय परमार भाई साहब। संजय परमार भाई साहब एक ऐसा शहर के अंदर है, सुरक्षा के बारे में कोई नाम आएगा तो भाई संजय परमार। भाई साहब कर ले, सभी एकजुट हो जाए तो किसी को तस्कर की यह मजाल नहीं कि एक गाय को काट के वो गो तस्करी कर सके, किसी अधर्मी की यह मजाल नहीं कि हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का विचार भी कर सके। और आज ही मैंने अखबार में स्टेटमेंट सुनी, एक मामन खान नाम का विधायक है, बोला मोनू मानेसर अगर मेवात में आ गया तो उसके प्याज की तरह फोड़ देंगे। लेकिन मैं उसको ध्यान दिला दिए, प्याज तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिलाने वाला है, अगर इन युवाओं को फंस गया तो तेरे को मसल के रख देंगे, ये ध्यान में रखना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये युवाओं का जोश ही है
जो आज इन गो तस्करों की चूल्हे हिली हुई हैं, बस थोड़ा सा समय और थोड़े से और ताकत दिखाने का समय हमारे पास है। अगर थोड़ी सी एकजुटता और दिखा दी, थोड़ी सी शक्ति और दिखा दी, तो इनको जड़ से उखाड़ना फेंके तो हम भी गो माता के पुत्र नहीं। जय श्री राम। इसलिए मेरे हिंदू युवा साथियों, सभी ने एकजुटता का परिचय देना है और ऐसी ही महापंचायतें हर जिले में नहीं, हर कस्बे में और हर घर में एक एक गो रक्षक हमें पैदा करना है। इसी उद्देश्य के साथ हमने निकलना पड़ेगा। और जो ये सरकार गहलोत सरकार है, जिसने गौ तस्करों के साथ मिल करके हमारे गौ रक्षकों को फंसाने का जो षड्यंत्र रच रही है, उसके विरुद्ध भी हमें खड़ा करना पड़ेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए हमने शक्ति भी बहुत बड़ी लगानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गो माता, जय गो माता। तो भिवानी के हर घर में मोनू मानेसर है, किस किस को चैलेंज करोगे? हर घर में मोनू मानेसर है। हमें पूरी भिवानी को भाई ने जैसे बताया कि वो भिवानी में आके दिखाए, हम ये कह रहे हैं भिवानी के तुम 20 किलोमीटर दायरे में ही आके दिखाओ, भिवानी से 20 किलोमीटर दूर हम आपको बता देंगे कि हिंदू की ताकत क्या है। अगर भारत में रहना है तो गौ माता की जय बोलना है, भारत में रहना है तो गौ माता की जय बोलना है। और जो ये राजस्थान सरकार कह रही है ना, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, भाइयों ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ही देन है कि हमने उनकी सरकार बनाई, तो हम उनकी सरकार गिराना भी जानते हैं। आने वाले इलेक्शन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बताएंगे कि किस प्रकार से छापा मारा जाता है। वो जो अभी महाराज जी ने बताया कि पुलिस, अगर पुलिस थी तो दिन के उजाले में आना था और फिर कार्रवाई करते, फिर हम बताते। तो मोनू मानेसर को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। एक बार फिर जय श्री राम। को इधर उधर बुला के जो इंटरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा हा मर्यादा का पालन करें। आप इंटरव्यू उन्हीं से लें जो इंटरव्यू के लिए अपेक्षित है। ऐसे किसी कार्यकर्ता से इंटरव्यू लेके आप लाइव चलाएंगे या चैनल पे चलाएंगे, ये संगठन के लिए उचित नहीं है। कृपया हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप ऐसा न करें। संगठन की मर्यादा है, जिसको अधिकृत किया गया है इंटरव्यू के लिए, आप उसी का इंटरव्यू लें। कार्यकर्ताओं को इंटरव्यू में लागू करनी पड़ेगी, बोलो भाई, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बुलडोजर जो गो तस्कर है उनके घरों पे भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी देशद्रोही है, क्योंकि वो सरकार के बनाए हुए कानून को नहीं मान रहे। इसलिए संगठन खट्टर सरकार से मांग करता है कि जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया, ऐसे ही हरियाणा में भी इन गौ तस्करों के खिलाफ कानून का राज और कानून का भय होना चाहिए। और उसके लिए इनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाना जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं है भाई? जरूरी है। लेकिन आज राजस्थान सरकार द्वारा और जो हमारे श्रीकांत भाई हैं, जिनके अजन्मे पुत्र ने धर्म के लिए बलिदान दिया, मोनू मानेसर भाई साहब जो हमेशा धर्म के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए हम सभी तत्पर खड़े हैं। और भविष्य आने पर सभी उनका एक साथ देंगे और सभी हाथ उठाकर बोलेंगे कि हम सभी गौरक्षक दल हैं, हम सभी गौ सेवक हैं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे, हम सभी गौरक्षक हैं। जो टास्क बनी हुई है उसमें हर जिले में ये एसपी की एक गारंटी होनी चाहिए, एसपी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जिले वाइज नाका लगाकर गो हत्या को रोकने का काम करे। अगर गो हत्या फिर भी होती है तो उसके जिम्मेदार उस जिले का एसपी होगा, ना कि और ये होगा। इसलिए क्योंकि अगर आप देखते होंगे कि आज दिन ये कह रहे हैं कि गौरक्ष दल बजरंग दल ये अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, हम कानून जब लेते हैं कि जब कानून सोया होता है। आज हमने इस पंचायत में ये बात भी रखी है कि हर जिले का एसपी अपने गो निषेध गो टास्क को अपना एक्टिव करे और नाके लगाकर गौ माता को रोकने का काम करे।
महापंचायतों का दौर जो है वो कब तक जारी रहेगा? तीसरी महापंचायत ये है मानेसर में, उससे पहले हकीम में होंगे, आज भिवानी में। ये महापंचायत का दौर जारी रहेगा, ये हरियाणा के समस्त जिले में होगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समस्त हिंदू समाज को जागरूक करेगा। वो जागरूक करने का कारण सिर्फ एक ही है कि बड़े षड्यंत्र के तहत आज हिंदूवादी संगठनों को वो घेरा जा रहा है। अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है कि बजरंग दल और आनंद समिति वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने क्या एक शादी के तहत भाषा भी इनको आज बजरंग दल का 3,000 है जी, सेवा सुरक्षा संस्कार, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम तो सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो संस्कार काले संस्कार साले चलाते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। कोई भी एक बात पकड़कर उसको बदनाम करने का काम करते हैं। क्या नाम है? गौरव। क्या कहेंगे, कब तक चलेगी ये महापंचायत? तो बताओ कब तक ये महापंचायत का जब तक दौर चलेगा, जब तक हमारे जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर झूठी केस दर्ज किए गए हैं वो जब तक ना हटाए, जब तक ये पंचायत हाथी लेकर अंदर उठती रहेगी। लेकिन आरोपी बनाया गया है, 8 लोगों के नाम जारी कर दिए, तस्वीरें जारी कर दी है राजस्थान पुलिस ने। तस्वीरें जारी करने से कोई आरोपी बगैर किसी से आती जांच करके एक गौ तस्कर के जो इनामी गौ तस्कर है उसके भाई के कहने मात्र से कोई सरकार ये मान सकती है कि ये आरोपित है? इसकी सीबीआई से अच्छे तरीके से जांच हो और जो हमारे संगठन के लोगों को जो गौ रक्षक गुंडे बोलते हैं तो तस्कर अंतवाद